हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि एसएससी सीपीओ 2019 में जो पेपर वन हुआ था उसका आंसर की 3 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपना आंसर की अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो उसके बाद आंसर की आने के बाद हम लोगों ने एक सर्वे किया था जिसमें हम लोगों ने आपसे डेटा मांगा था जिसमें कि आपकी कैटेगरी और आपके रॉ स्कोर क्या है उसको मांगा था हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो मैं उन छात्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना स्कोर या फिर अपना पेपर हमसे साझा किया है, शेयर किया है। तो सबसे पहले उनको दिल से धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो वोटिंग पोल क्रिएट किया गया था वहाँ पे भी बहुत सारे छात्रों ने, लगभग 300 छात्रों ने अपना वोट किया है कि उनका रॉ मार्क्स जो है वो क्या था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और पेपर का लेवल इस बार टफ था या अगले बार कैसा था। तो वो सारी बातें, जो जितने भी सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप प्लीज़ ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और बारीकी से समझें वीडियो को कि क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम की वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2014, 15 और 16 की ये पेपर वन की कट ऑफ है। तो 2016 तक जो ये एग्ज़ाम था सीपीओ का वो ऑफलाइन मोड उसका था, ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे कैटेगरीज हैं उन सभी का मार्क्स 100 के अंदर ही है। तो खैर, इतने इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये मेल कैंडिडेट्स की मैं बता रहा हूँ आपको, फ़ीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम लोग देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो मार्क्स हैं 2014, 15, 16 में जो कट ऑफ गई हैं सारी कैटेगरी की, वो भी 100 के नीचे ही हैं और मेल कैंडिडेट से 4 या 5 नंबर कम हैं। इसके बाद अगर हम लोग 2017 वाली देखें, क्योंकि 2017 का जो एग्ज़ाम था तो उसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था और उसका नोटिफिकेशन 2016 में आया था, तो वो 2016 का ही हुआ। और मेल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल कैटेगरी में 117.25, फीमेल की गई थी 112.50, ओबीसी की गई थी मेल में 102, फीमेल की गई थी 97.75, एससी की गई थी 90.25 और फीमेल की गई थी 84.75, एसटी की गई थी 90 और फीमेल में गई थी उसकी 81 और एक सर्विसमैन की 43। तो ये 2017 का है। तो आप देख सकते हैं कि 2016 तक जब ये पेपर ऑफलाइन होता था तो जितने भी कट ऑफ हैं, जितनी भी सारी कैटेगरी हैं, उन सभी का कट ऑफ 100 के अंदर ही है। लेकिन ऑनलाइन होने से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और 2017 में ये सबसे पहले पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 2017 की ही कि पेपर वन और पेपर टू मिलाकर क्या कट ऑफ गई थी, फाइनल जो कट ऑफ होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों के लिए है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। तो जनरल कैटेगरी की गई थी मेल में 293.50 और फीमेल में गई थी 264.75। ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल में गई थी 271.75 और फीमेल में गई थी 192। और ये मैं आपको बता दूँ, ये पेपर वन और टू फाइनल कटअप जो होती है, पेपर वन और टू दोनों मिलाकर उसको, उसका कटअप मैं आपको बता रहा हूँ 2017 का। एससी कैटेगरी की गई थी मेल में 217.50 और 161 गई थी फीमेल के लिए। वहीं एसटी की बात करें हम लोग, तो एसटी की गई थी मेल कैंडिडेट के लिए 230 और फीमेल के लिए गई थी 140.50। और एक सर्विसमैन की आप देख सकते हैं 204 गई थी 2017 में, जबकि ये पेपर पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था उसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 की अगर हम बात करें तो पेपर वन जो हुआ था, तो पेपर वन की क्या कट ऑफ रही थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ रही थी नॉर्मलाइजेशन के बाद वो थी 140.08, फीमेल की थी 137.60, ओबीसी के लिए मेल में थी 133.36, फीमेल की थी 127.51, एससी के लिए थी 114.23 और फीमेल के लिए थी 110.31, एसटी के लिए थी 111.17
और फीमेल के लिए थी 99.50। और एक सर्विसमैन की आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी की बात करें तो 2018 में जितनी वैकेंसियाँ थी उसके डबल, लगभग डबल 2019 में वैकेंसियाँ थी। उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो अटेम्प्ट रेट है स्टूडेंट का, हमने सारे जितने भी सारे स्विफ्ट हुए हैं उन सभी का एनालिसिस हमारी टीम ने किया है, तो आप उसे भी जा कर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एसएससी सीपीओ प्लेलिस्ट बनाया गया है। इसके अलावा जो अटेंडेंस रही है इस बार की, वो भी उस पर भी वीडियो बनाया गया है, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो वो डिस्कस करके यहाँ फ़ायदा नहीं। बात करें तो वैकेंसियाँ 2018 से 2019 में लगभग दोगुनी थी। इसके अलावा अटेम्प्ट रेट की बात करें तो पेपर जब हमने एनालाइज किया तो पिछले साल से इस साल का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा अप था, और जो अटेम्प्ट रेट था वो भी पिछले साल से कम ही था स्टूडेंट्स का। और जो सर्वे हमने किया था उसमें भी जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो 90, जो एवरेज मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, 92-110 के अंदर ही सारे मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जब पेपर का लेवल भी अब था और अटेम्प्टेड भी कम थे स्टूडेंट्स के, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार जैसा तो नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आपका वैकेंसी भी आपका ज़्यादा था और पेपर जो था वो भी टफ था इस बार का चाहे। और कुछ कुछ शिफ्ट तो ऐसे थे जिसके स्टूडेंट मतलब पूरे फ्रस्ट्रेशन में थे कि सर बिल्कुल जीके और जो आपका मैथ्स है बहुत कैलकुलेटिव है वगैरह। तो आशा है उन सभी का नॉर्मलाइजेशन अच्छे से होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 2019 का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, तो हमने वो तैयार किया है, जितने भी सारे सर्वे हैं जो हमने किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप ही सिर्फ स्पेशली बनाया गया था सर्वे के लिए, जिसमें कि लगभग 300-400 वोट पड़े थे इस पर, जो कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पड़े हैं 9200। और एवरेज अगर हम लोग निकालें तो जो एवरेज स्कोर रह रहा है वो 92-110 रह रहा है, मतलब जो रॉ मार्क्स है वो इसी के अंदर सारे स्टूडेंट्स का रह रहा है। तो उसी के हिसाब से हमने कट ऑफ बनाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में भी अपना मार्क्स बताया था, तो आप प्लीज़ ऐसे ही अपना मार्क्स हमसे शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो इन सभी को लेकर हमने कट ऑफ डिसाइड किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वो मेल में जनरल के लिए 125-30 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझ सकते हैं। और ओबीसी के लिए 118-20 और एससी के लिए 110-115। वहीं अगर हम लोग बात करें एससी की तो 110-115, एसटी के लिए 105-108 मार्क्स आपके चाहिए हो सकते हैं कट ऑफ के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी का, तो उसमें लगभग 7 से ज़्यादा 10 मार्क्स ही बढ़ते हैं। तो इस बार भी आशा है कि इतने ही मार्क्स सबके बढ़ेंगे। और रॉ मार्क्स मैंने आपको बताया कि रॉ मार्क्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज है वो 92-110 आ रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी अगर 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो इतना ही लगभग एग्जैक्ट जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल के लिए 115-118 आपके मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 108-112, एससी के लिए 102-104 और एसटी के लिए 98-100 मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2019 का जो ये कट ऑफ है ये हमारी टीम ने तैयार किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल से हमारे अभी अगर तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, और क्योंकि हम ऐसे ही स्टेट जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।